कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनको कोई नाम देना भी उनकी अहमियत को मुतासर करता है। मैं, मेरा बाप और मेरी माँ अजमेर के सफ़र पर जाते हुए दिल्ली रुके। मेरा बाप, जिसे हम अबू कह के पुकारते थे, वो ज़माना मुख्तलिफ था। मैंने अपनी माँ की ज़बान से अपने बाप का नाम कभी नहीं सुना। वो अगर उन्हें पुकारती भी तो निसार के अबू के नाम से, और वो भी उन्हें निसार की अम्मी कह के आवाज़ देते थे। हमें बाप के असली नाम और माँ के असली नाम का अलग ही ना था। बाप का नाम हमें दूसरों से मालूम हुआ कि वो आके अगर पुकारते तो कभी पूरा नाम लेके आवाज़ देते, गीला निसार। वैसे भी रिश्तेदारों और अजीज़ों में किसी को भी असली नामों से याद नहीं करते थे। मैं अपने अबू के साथ साथ दिल्ली के शहर पे मगन था और अम्मी हमारे बीच थी। अबू मेरा हाथ इस तरह पकड़े हुए थे कि जैसे मैं कोई दूध पीता बच्चा था कि कहीं गिर न जाऊँ। आज पता चलता है कि वो मेरी हिफाजत के तौर पर मेरा हाथ थामे हुए थे। लाल किले के सैर करते करते मैं थक सा गया और अम्मी भी कुछ देर ठहर के आराम करना चाहती थी। लोग आ जा रहे थे, भीड़ ज़्यादा न थी मगर कम भी नहीं थी। दौरान सैर हम मोती मस्जिद के पास आए तो अबू ने कहा कि तुम लोग यहाँ एक तरफ बैठो जब तक मैं नमाज पढ़ता हूँ। जहर का वक्त था, अबू हमेशा ही बावजू रहते थे, फिर भी वो एक तरफ जहाँ पानी का इंतज़ाम था वहाँ गए और वज़ू करके, मैंने देखा कि जब अबू वज़ू करके आ रहे थे तो उनके साथ साथ एक जवान लड़की उनको घूर रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें गुस्से से देख रही थी या फिर अपनायत से। मैं सोचने लगा कि शायद उसको अबू की वजह से ठोकर लगी हो या पानी के छींटे उड़ कर आए हों, क्योंकि अबू की आदत थी कि वो वज़ू करके काफ़ी देर तक मुंह नहीं पहुँचते थे। मस्जिद में एक कोने में अबू नमाज के लिए खड़े हो गए। वो लड़की भी नज़दीक ही अबू पर अपने नज़रें गाड़े हुई थी। कभी बैठ जाती तो कभी खड़ी हो जाती। अम्मी ने भी इस लड़की को अबू की तरफ लगातार देखते हुए पाया। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि अम्मी के चेहरे पर जो गुस्सा था वो क्या जाहिर कर रहा था। मैं तो खैर कुछ समझने से कासिर था, मगर यही लग रहा था वो किसी का इंतज़ार कर रही है कि वो आएगा तो ये अबू से झगड़ा करेगी, इसलिए उस पर नज़रें जमाए हुए थी। मुझे अंदर से डर महसूस होने लगा कि सफ़र में शाम की अजमेर की गाड़ी जा रही थी, पता नहीं क्या होगा। तरह तरह के वसवासे मुझे घेर रहे थे। इधर अबू ने नमाज तमाम कर ली, सलाम फेरा और उठ के हमारी तरफ बढ़ने लगे कि वो लड़की बीच में आई और अबू के गले मिलकर ज़ारो कतार रोने लगी। कोई भी समझ सकता था कि ये क्या माजरा है। एक दूसरे से बिछड़ गए होंगे या तो अब मिले कि ये हाल हो रहा है। अलबत्ता ये मामला कुछ एक तरफा था। अबू के बर्ताव में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि वो उससे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। रोते रोते इस लड़की की चीखें निकल रही थी, रोते रोते उसकी हिचकिची की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अम्मी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा गायब हो रहा था। मैं 12 साल का था मगर इतना नादान भी न था कि इस मंजर को मामूली समझूं। लड़की की हिचकियों के दरमियान अबू की आवाज़ आ रही थी, बेटी क्या बात है, कौन हो तुम, क्या मुसीबत है, तुम्हारा कोई बिछड़ गया क्या, कोई हादसा तो हुआ है क्या। लड़की रोते रोते इतना कह रही, पिताजी उसके अलावा क्या कह रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अबू ने उसको फर्श पर बिठाया और पूछने लगा कि माजरा क्या है। इतने में अम्मी आगे बढ़ी और दोनों को गौर से देखने लगी, जैसे कि अबू को पहचानने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की से मुखातिब हुई, कौन हो, क्यों रोते हो, रोते जा रहे हो, कुछ तो बोलो। ये सुनकर लड़की ने अपने पर्स से एक तस्वीर निकाल कर दिखाई। तस्वीर ब्लैक एंड वाइट थी कि अभी ज़माना पानी की तरह
से बेरंग था। तस्वीर देखकर अम्मी गौर से देखने लगी और अबू से पूछने लगी कि आपकी तस्वीर इसके पास कैसे आई। अबू अजीब कश्मकश में पड़ गए, वो भी तस्वीर को देखने लगे। अम्मी और अबू दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे चोर पुलिस का खेल होने जा रहा था। अचानक एक लड़का आके पुकारा, जया तुम यहाँ हो, मैंने कितना ढूंढा। लड़की ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, देखो भैया ये देखो, बिल्कुल हमारे पिताजी मालूम होते हैं। इस लड़की ने अबू की तरफ देखा, चेहरे पर एक नज़र डाली, झुका पैर छुए और हाथ बांधे सामने खड़ा हो गया। मैं सोचने लगा कि क्या ये दोनों हमें ठगने के लिए नाटक तो नहीं कर रहे हैं, मगर नाटक में इतना रोना और सच्चे आंसू बहाना आसान नहीं होता। लड़की उठ के फिर एक बार अबू के गले लगी और उसके बाद उसका भाई बोला, चाचा हमारे पिताजी की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, चंद बरस पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई, हम आज ही चंडीगढ़ से दिल्ली आए, जया बहन का यहाँ इंटरव्यू था, आपको देख के ये होश हवास हो गया थी, मैं उसे ढूंढता रहा और ये आपके पीछे कोली, अब आप हमारे साथ चंडीगढ़ चलिए, कुछ दिन हमारे साथ रहिए, माताजी भी आप लोगों से मिलकर खुश होंगी। जया बोली, इस कदर मेरे पिताजी से आपकी शक्ल मिलती है कि मैं कुछ देर तक बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं बैठी कि पिताजी जिंदा है। और अम्मी की कैफियत अब बदल गई, वो जया को प्यार से देखने लगी, अपने पर्स से कुछ निकाल के उसको दे भी दिया। अबू ने कहा कि हमारी शाम को अजमेर की गाड़ी है, कभी आएंगे चंडीगढ़। जया ने इतनी देर में एड्रेस लिख के दिया, एक दूसरे से रुख्सत हो गए, लेकिन जया मुड़ के अबू को बराबर देखते रही। अबू के जबान पर बस इतना था, अजीब इत्तेफाक है, अल्लाह की कुदरत।